वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर क्लास सर। तो आपको हम बता रहे थे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आपका लास्ट टॉपिक यही चल रहा था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो आपको नंबर जो होगा वो गिवन रहेगा डेसिमल में, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए आपको 16 से डिवीज़न करना पड़ेगा। 16 से डिवीज़न करेंगे, जो क्वोशेंट आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। अगेन आपका क्वोशेंट जो आना चाहिए वो 16 से लेस होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 423 है, तो इसका 16 से डिवीज़न किए 2 टाइम्स गया, 16 टू जा 32, 2 टाइम्स जो बचा हुआ है अगेन किए तो 6 टाइम्स गया और रिमाइंडर कितना आया 7। 16 से किया 1 टाइम्स, रिमाइंडर 10 आया। 10 मींस ए होता है। और यहाँ पर 16 का किया फिर से तो 0 आएगा, रिमाइंडर 1। तो इसको आपको पता है नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1A7 बेस 16। ऐसे आप इसको भी कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीज़न आपको आता ही होगा, 16 टू 32। अगेन ये पूरा करोगे तो आपका क्वोशेंट आएगा 2668 और रिमाइंडर बचेगा 2। ये जो साइड में लिखा है ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये साइड वाले हमारे क्या है, रिमाइंडर, ये सब रिमाइंडर हैं। अगेन करोगे 16 वन टाइम्स लेगा जो बच, फिर अगर पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आएगा 166 और ये 12 जो है, 12 की वैल्यू होती है 6, 12 रिमाइंडर बचा था। अगेन करोगे 10 और 6 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू ए होती है तो इसको नीचे से ऊपर की ओर वैल्यू लिखते हैं, तो नीचे क्या है, ए 6C2 बेस लगा दोगे। क्या बेस लगाओगे, 16 बेस हो जाएगा। तो ए आपका क्या है, कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्या करना पड़ता है, फॉलोइंग करना पड़ता है गिवन, जो स्टेप्स गिवन उसको। पहला क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन में ट्रांसलेट ए टू एफ हेक्साडेसिमल डिजिट। ट्रांसलेट करोगे आप क्या, ए टू एफ हेक्साडेसिमल डिजिट को इनटू देयर करस्पॉन्डिंग डेसिमल डिजिट, उनके करस्पॉन्डिंग डेसिमल डिजिट में। जैसे ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू 10 होती है, एफ की क्या होती है 16 होती है, 15। स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एंड मूव लेफ्ट वर्ड। तो स्टार्ट करोगे राइट से और लेफ्ट की ओर जाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, 2AF16। तो एफ की वैल्यू पहले लिख लोगे क्या होता है, 15। ए की क्या होती है, 10 होती है, 2 की 2 ही रहेगी। अब इसको आपको कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप राइट मोस्ट से स्टार्ट करोगे इस साइड से, तो 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, यहाँ पावर 0 लेकर चलेंगे। फर्स्ट पर 0 हमेशा होता है, चाहे जिसका बेस हो, चाहे 8 हो तो 80 होगा, 2 हो 20 होगा, ठीक, 10 हो तो 10। अब यहाँ पर 16 करेंगे, 10 है तो 10 × 16^1 प्लस 2 × 16^2। 16^2 को 16 × 16^2 मीन 16 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी वैल्यू आएगी 512। कितनी आ रही है, 512। अब ये 16 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 16 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 आया। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, 16^0, किसी की पावर 0 होती है एक्सपोनेंट में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अगर 0 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो ये वैल्यू, सॉरी 16^0, इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंट 1। क्या होता है, जब किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही मिलेगा। सॉरी स्टूडेंट, इसे आप सही कर लीजिए, 16^0, 0 की वैल्यू 1 होती है, ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। जब पावर 0 हो जाती है किसी भी डिजिट की पावर 0 हो गई तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ 15, अब इन सबको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 685 और यहाँ पर बेस लगा दोगे, क्या बेस लगाओगे, 10। ये आपका क्या हो गया, डेसिमल कन्वर्जन। होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे आप सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल में भी आपको यही करना है। सेकेंड एग्जांपल में
क्या किया है देखिए। सेकंड एग्जांपल में आपका पहले एफ है, एफ को कन्वर्ट किया 15 में 7, 3, 1, तो यहाँ पर भी 16 की पावर 0 इंटू 15 16 की पावर 1 इंटू 7, प्लस फिर लगाया 16 की पावर 2 इंटू 3। जैसे जैसे आगे बढ़े जाएंगे पावर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे करते हैं, हम इस साइड से करना स्टार्ट करते तो यहाँ पर 0 पावर हो गई, यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4, जितने नंबर्स होंगे उतने पावर्स हो जाएंगे, ऐसे पावर्स बढ़ते जाएंगे। तो 16 की पावर 3 हो गई। अब इसका 16 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम्स, इट मीन्स 16 16 इंटू 16 3 टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 4096। ये आपकी वैल्यू आई। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू आई 768। 16 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 12, और 16 को आपको पता है जब किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे 15, ओवरऑल आपका आंसर आ गया इतना, कितना, 4991। ओके क्लास, ये आपका वेस्ट 10 में हो जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो है वो बचा है उसको एक्सरसाइज, अब उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।